तो अगली टॉपिक में हम बात कर रहे हैं कि हमने फाइल को क्रिएट कर लिया, अब इसमें हम डेटा कैसे लोड करेंगे। तो अगर आप वो टाइप करना चाहते हैं जैसे आप एक्सेल पे टाइप करते हैं, उस तरह से इस पे टाइप कर सकते हैं कि यहाँ पे आपने नेम लिख दिया, यहाँ क्षिति, टैब देखे अगले में चला गया अमाउंट, और यहाँ भी आप फॉर्मूला लगा सकते हैं जैसे एक्सेल कैलकुलेशन होता है। जैसे यहाँ पे जीएसटी हो गया तो हमने नेम पूजा दे दिया, सिटी में हमने दिल्ली दे दिया, और अमाउंट यहाँ पे हम 450 कर दिया। अब मुझे इसका जीएसटी निकालना है तो जैसे हम एक्सेल में करते हैं सेम इस तरह से यहाँ पे हम इसको सेलेक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई बाय हम यहाँ पे 20% दे देते हैं या 18% दे देते हैं, ये आपको कैलकुलेट करके दे देगा 41। और एक्सेल शीट में जैसे फंक्शन होते हैं सारा, यहाँ भी जैसे मान लीजिए मुझे इसको कलर करना है तो हमने इसको सेलेक्ट किया और हम इसी के यहाँ टेक्स्ट कलर है, यहाँ इसकी बैकग्राउंड कलर है फिल कलर को, अब मान लीजिए फिल कलर मुझे चाहिए ग्रे, ग्रे हो गया। मुझे टेक्स्ट कलर ब्लैक की जगह पे मान लीजिए रेड चाहिए तो यहाँ पे रेड हो गया। इसमें और भी डेटा डालना चाहते हो डेटा डाल सकते हैं। आपको एक नई सीट ऐड करनी है तो नई सीट भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, और सीट को भी रिनेम करना है तो इस पर डबल क्लिक कीजिए, आप यहाँ पे सीट को भी अपना नया नाम दे सकते हैं सिंपल। तो आप लोग ये एक गूगल शीट बनाइए और गूगल शीट बनाने के बाद इसके अंदर जो चीज़ें ऐड हो रही है उसको ऐड कीजिए। अगले वीडियोज में हम इससे आगे के बारे में डिस्कस करेंगे।